बीते कुछ दिनों में बिजली आपूर्ति में रह रहकर लगातार जारी रुकावटों से दीग्रस्त शहर और ग्रामीण इलाकों के आम बिजली ग्राहक त्रस्त हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ महावितरण कार्यालय में आउटसोर्सिंग के तहत नियुक्त कर्मचारी लूडो खेलने में व्यस्त है। पेश है दीग्रस संवाददाता जुबेर खान की यह खास रिपोर्ट। दिग्रस शहर के महावितरण कार्यालय में इन दिनों अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत हकीकत में साकार हो रही है। शहर में कुछ दिनों से लगातार किसी न किसी कारण से घंटों तक बिजली का गुल रहना एक आम बात हो गई है। इस समस्या से त्रस्त नागरिक जब समस्या के समाधान के लिए महावितरण कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते हैं तब वहाँ कोई भी उनके कॉल को रिसीव तक नहीं करता। गुरुवार को जब सुबह से ही बिजली खंडित हुई तब शहर के विभिन्न संगठनों के पत्रकारों ने महावितरण कार्यालय का रुख किया, तब वहां अचंभित करने वाला नजारा नजर आया। सुबह से ही खंडित बिजली सेवा के बारे में जब पूछताछ की गई तब महावितरण के सहायक अभियंता संदेश परतेकी ने बताया कि वे हाल ही में यहां पधारे हैं और इस समस्या के बारे में ज्यादा जानकारी तो रितेश बोबड़े ही दे सकते हैं। तुम्ही काल बंद आहे असं म्हणता? नाही, मी होतोच नाही, मी आज जॉईन झालेलो आहे, सुट्टीवर होतो मी काल। आज नवीन आले का तुम्ही? माझी इथं आता बदली झाली आहे, एक दिवस झालं मी सुट्टीवर होतो। बरं सर, आता काय रेग्युलर कधी होणार का? काही नाही, होणारच नाही। मला मॅसेज आला एक की एक चालू झालाय, कोणत्या तरी अंबिका नगर चालू झालाय, अजून कोणता आहे संभाजीनगर आणि देवनगरला एक तास लागेल, आणि बाकीचं मोदीनगर याच्यातच सगळे फिडर, हे फिडरचे नाव आहे। काय तुम्ही मेंटेनन्स काय करून राहिले आम्हाला सांगा ना, कामं कुठं चालू आहे? मी तुम्हाला डिटेल ते बोबडे साहेब देतील, कारण तुम्हाला काहीच माहित नाही। मी ऑफिस स्टाफ आहे। इसी तरह से जब हम शहर के सहायक उप अभियंता कार्यालय में पहुंचे तब वहां कार्यालय में दो कर्मचारी लूडो खेलते नजर आए। उनसे पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि वे टेक्नीशियन हैं और ग्रामीण इलाकों का काम देखते हैं। जब उनको पता चला कि सवाल पूछ रहे लोग पत्रकार हैं तब उन्होंने झट से मोबाइल को जेब में रखा और लंच बॉक्स खोल कर तत्काल खाना खाना शुरू कर दिया। तुम्ही कोणा? एक तरफ ग्रामीण इलाकों के लिए नियुक्त निजी ठेकेदार के कर्मचारी लूडो खेलने में व्यस्त थे, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में बिजली की समस्या से त्रस्त हो चुके किसान समस्या के समाधान के लिए परेशान नजर आ रहे थे। इस बीच एक किसान ने कुछ इस तरह से अपना रोष व्यक्त किया। कर्ज आपल्यावर आहे, आपल्याला उद्या व्यवहार चालवणार आहे। आपण आपले लोक 3-3 हजार रुपये घेतले की मतदान खातात, पितात, मनमानी पैसे कमवतात, विदेशामध्ये ठेवतात आणि इकडे आपण आपला काम। मी अशोक राठोड, महावितरण कार्यालय में जारी इस पूरे क्रियाकलाप से अवगत कराने के लिए जब पूर्व सहायक अभियंता तथा प्रभारी मुख्य अभियंता रितेश बोबड़े से हमने फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। बहरहाल हाल ही में रितेश बोबड़े की अगुवाई में महावितरण के कर्मचारियों ने गणपति उत्सव के दौरान बिजली आपूर्ति सेवा उम्दा तरीके से प्रदान कर प्रशंसा बटोरी थी, लेकिन अब फिर से बिजली आपूर्ति सेवा प्रदान करने महावितरण कार्य में बिगाड़ उत्पन्न हो रहा है जिसे तत्काल दूर करना समय की मांग है, क्योंकि शहर और ग्रामीण इलाकों में बिजली ग्राहकों की समस्याओं का समाधान ढूंढने के बजाय यहां पर बिजली कर्मचारी लूडो खेलकर काम की जिम्मेदारी और महावितरण के अनुशासन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।